के जनता ने भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के खिलाफ फतवा दिता। सूबा प्रधान श्री विजय सरदार राज्य मंत्री भी ने एंटीगन कन्वेंसी 10 साल का लगातार जरा राज थी साडी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी पार्टी का आज गठबंधन दा पूरे पंजाब एक कारण रिया सत्ता दे के साडी सरकार ने भी निराश दे रिया सारी भाजपा के कार्यकर्ता ने सब तो बड़ा कारण बनया अज तकरीबन लगभग एक साल हो गया कांग्रेस की सरकार बनी ने जो इन्होंने एक साल पहला लोगों को झूठे समझवाद खाए थे। एक साल जिन्होंने देश का पंजाब के देश का कितने नाल पंजाब का जिहड़ा गर्व करता एक सोने की चिड़िया सी पंजाब पूरे देश जिन्हों मनिया जाता सी खुशहाल प्रदेश अज गरीब किसान आत्महत्या कर रहे हैं लोगों को 2 रुपये किलो बादल साहब अनाज दिते सी वह बंद हो गया बिजली के बिल दोबारा मारते हैं बुढ़ापा पेंशन बंद करती है विधवा पेंशन बंद करती है बच्चों को इन्होंने कहा कि तुम्हें नौकरी देवे पर आज ये हाल है बच्चे अपने आप को ठगिया महसूस कर रहे हैं और इस झूठे जो कांग्रेस की सरकार है एक साल जो उन्होंने झूठा पुजिंदा किया अज लोगों सामने पर्दाफाश कर सारे पंजाब वासियों को दिखाने लिए असी अज जाओ खोलो जागे ना जागे साडा मकसद नहीं साडा तो लोगों ने यह दसना मकसद है कि जो इन्होंने झूठे वादे किए थे जो इन्होंने झूठे वादे करके लोगों ने लुटिया जो ये समझवाद दिखा के सत्ता में आए सानू तो अभी तो लोगों को यह दस दें भी इन्होंने को हिसाब लाओ जो भी ताडे को आते एक साल का हिसाब लाओ असी हर महीने हर 3 महीने बाद इन्होंने खिलाफ मेमोरेंडम दे रहे हैं भी अपने किए वादे पूरे हो अज एक साल हो गया वड्डी रैली हो रही है 2 साल हो जाएंगे फिर वड्डी रैली करेंगे हर 3-3 महीने बाद असी कोई ना कोई जलसा हैडक्वार्टर दे के मेमोरेंडम दे के इन्हों सुत्तियां नूं जगाने रहने और लोगों को जागरूक करते हैं भी इन्होंने तुहानू लुटिया। कैप्टन सरकार के 1 वरे पूरे होने के उत्ते उन्होंने पोल खोलन के लिए रैली की गई है जलंधर विखे और ये पूरे पंजाब के लोग शिरकत किए हैं क्योंकि जिहड़ियां आसां और उम्मीदां दे नाल पंजाब के लोगों ने बदलाव लेके आए थे वो आसा और उम्मीदा धरातल से नहीं रसातल से गई हैं अज किसी नूं भी उम्मीद नहीं है क्योंकि उन्होंने वादे सारयां नूं झांसा दिता किसानां नूं झांसा दिता कर्जा माफ़ करन दा नौजवानों नूं नौकरियां दा बजुर्गों नूं पेंशनां दा बेरोज़गारां नूं बेरोज़गारी पत्ते दा और उद्योगपतियों नूं सस्ती बिजली का तो कोई भी जिहड़ा वादा पूरा नहीं किया सारे नूं चांसा दिता है चांसे का राजा और जिहड़ा हैगा इसकी पोल खोलन के लिए अज इत्थे रैली हुई है पंजाब स्तरीय और उहदे विच श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल जी भी आए थे और केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय सांपला जी ने भी संबोधन किया। सत श्री अकाल दर्शकों थोड़ा भी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत स्वागत है। अज अं पहुँच चुके हैं जलंधर जिथे कि बीजेपी वालों एक बहुत वड्डी जी रैली हैगी मौजूदा कैप्टन सरकार जी है कांग्रेस सरकार के खिलाफ की जा रही है क्योंकि कांग्रेस जो एक साल हो गया कांग्रेस सत्ता में आए कोई तकरीबन सारिया झूठ साबित। मैं सीमा क्लियर कैमरामैन जलंधर।